ये है मेरे बड़े भाई। हाँ ब्लॉग अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब ठीक होंगे। आज वेदर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और अभी हम जा रहे हैं मजलिस पे, तो आज लगता है शायद बारिश होगी। तो बाकी इंशाल्लाह आज घर पे न्याज भी है, 7 मुहर्रम न्याज होती है हमारे यहाँ। तो ये शायद व्लॉग ये थोड़ा लंबा हो सकता है, या इसके पार्ट 2 कर दूँगा, एक पार्ट पहले अपलोड कर दूँगा एक बाद में, जैसे भी हुआ तो इंशाल्लाह आप साथ रहिएगा। तो भी आई थिंक सुबह 6:30 का टाइम है, तो अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए भी शेक आ गया है, मैंगो शेक ये पीते हैं और निकलते हैं मजलिस के लिए। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा है, टिकटॉक पे भी मुझे कमेंट्स वगैरह आए थे कि आपने घर पे अलम पाक नस्ब किया है उसकी वीडियो बनाइएगा, और अपने घर का आपने नया घर बनाया है उसका व्लॉग आप बनाइएगा। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर व्लॉग भी बनाऊँगा, पूरे घर का भी बनाऊँगा। अभी आपको अपना घर दिखा देता हूँ, ये अलम पाक का एरिया है, ये अभी यहाँ एसी का ये आउटडोर पड़ा हुआ है, ये भी एक आज या कल में इंशाल्लाह जैसे ही टाइम लगेगा ये से वहाँ शिफ्ट कर देंगे, और ये अलम पाक का एरिया माशाल्लाह रहेगा। तो ये बाकी ये छत है पूरी, ये आप देख सकते हैं ऐसे, ये पूरी ये इस साइड पे भी है। अभी ज़रा लेट हो रहा हूँ मैं काफ़ी, तो अभी निकलते हैं शेक पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं मजलिस के लिए। जी मैं मजलिस पे पहुँच चुका हूँ, और मजलिस के बाद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जी मैं मजलिस से फ्री हो चुका हूँ, अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। ये मेरे साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त सुल्तान इनका नाम है, तो हम इकट्ठे होते हैं, दोस्त हैं, हम इकट्ठे घूमते हैं। अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, तो बाद में आपको दिखाते हैं, नाश्ता भी दिखाते हैं क्या करते हैं। फैसलाबाद का डी ग्राउंड में बहुत अच्छा यहाँ फूड पॉइंट है डी ग्राउंड का, और बहुत अच्छा वहाँ ब्रेकफास्ट होता है, आपको दिखाते हैं हलीम और नान, साथ रहिएगा। तो जी ये है हलीम, जहाँ मैं खाने आता हूँ अक्सर, ये आप देख सकते हैं डी ग्राउंड में चिकन हलीम एंड फ्राई पॉइंट, बहुत अच्छा हलीम है इनका, आपको इनका टेस्ट भी करना चाहिए जो फैसलाबाद में रहते हैं। और अगर आपका कहीं आना हो फैसलाबाद में, तो आप यहाँ का ज़रूर हलीम ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है जी। देखिए ज़रा आप हलीम की, ये है जी हलीम, और ये नान, नान पे भी हलीम लगा हुआ है, ये साथ है दही भल्ले है। तो ये टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। कोक भी आ गई है जी। वाजवा चाचा जी क्या कहने, स्माइल दो जरा, मौला जी मदद, स्माइल दो जरा, बहुत जी। नाश्ता कर लिया, अब हम वापस जा रहे हैं, बहुत काम है आज, क्योंकि आज घर पे मौला गाजी शहनशाह की न्याज है, तो वो न्याज बनेगी, वो सारा आपको दिखाऊंगा, साथ रहिएगा। एक तो ये सिस्टम पता नहीं पाकिस्तान में कब ख़त्म होगा, अभी मैं लास्ट डेज में गया हुआ था, इंग्लैंड गया हुआ था, बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते रहते हैं, कभी नहीं देखा ये चीज़ें पाकिस्तान में, पता नहीं ये फाटक बंद वाला सिस्टम, पता नहीं कितने कितने लोग जो वेट में बैठे होते हैं कि अर्जेंट जाना होता है, एम्बुलेंस वो जाती हैं, किसी पेशेंट को लेके जाना पड़ता है, ये अच्छा नहीं है। मैं अगर मेरा ये सुन रहे हैं कोई वीडियो कोई, तो आप प्लीज़ इस पर ज़रूर फोकस करें इस बात पे, ये फाटक वगैरह ये नहीं होने चाहिए। और ज़रा ये आप चेक करें कि ट्रेन की जाने की स्पीड क्या है, क्या बात, क्या स्पीड है जाने की, प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा रोकें। अब थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ,
क्योंकि अभी न्याज का भी करना है। अभी तकरीबन एक दो घंटे रेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर पकवान भी आ जाएंगे, तो फिर उठते हैं इंशाल्लाह, आपको दिखाते हैं। 3 hours later. मैं उठ गया हूँ, तकरीबन 10 से 20 मिनट पहले मैं सोया उठा हूँ, और पकवान वगैरह भी आ चुके हैं नीचे, और नीचे चलते हैं। और आपको प्लीज़ ये शोर ज़रा आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि 10 मुहर्रम, ये मुहर्रम की चांद रात को हमारे यहाँ आ जाते हैं पप्पो चचियाँ वगैरह, ये सब रिलेटिव जितने भी हैं ये आ जाते हैं, और 10 मुहर्रम के बाद जाते हैं, और बच्चे भी छोटे छोटे हैं साथ, फिर आपको पता है घरों का माहौल, अभी रश है, ज़रा ये शोर आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। न्याज बन रही है, और मैं अभी ज़रा थोड़ी देर ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो देन नीचे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। अभी तबीयत ही ना डिस्टर्ब हो जाए कहीं, क्योंकि सुबह भी नान खाया था, और नाश्ते में भी, अभी ब्रेकफास्ट में भी लंगर का है, नान और चने और कोफ्ता, ये देख क्या कह रहे हो कोफ्ता। आप मेरे पास क्यों बैठती हो इतना, मुझे पहले ये बताओ। गर्मी लगती है इसलिए आती हूँ। इधर ऐसी लगाते हैं इसलिए। हमारे घर के बच्चे बहुत माशाल्लाह शार्प है, और ये स्पेशली बहुत शार्प है, शाहनूर फातिमा। ये न्याज तैयार हो रही है, और अभी नीचे चलता हूँ। जी मैं आ गया हूँ नीचे। ये बैठे हैं पकवान। हाँ जी अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। बेटे की क्या हाल चाल, ठीक ठाक हो? ठाक हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनाओ ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। न्याज अभी तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं ये, तो ये देसी अंडे माशाल्लाह अंकल बनाते हैं, बहुत कमाल, बहुत ही ज़्यादा ही माशाल्लाह। जी ये हैं हमारे अंकल मंजूर, ये जो भी हमारे घर में कुछ भी बनाया जाता है न्याज का या कोई भी इवेंट होता है, तो अंकल ही सारा ये करते हैं, हमारा जो भी है ये कुकिंग वगैरह का ये सारा सिस्टम। तो अंकल आप बताएं ये न्याज में क्या, माशाल्लाह ये पूरे वर्ल्ड में जाती है, तो इसमें क्या ऐसी क्या आप? इसमें देसी अंडा होता है, देसी स्पंज केक, अंडे का देसी अंडे का केक, स्पंज केक तैयार किया जाता है, देसी घ्यो, पिस्ता, बादाम, काजू, चारे मगज, क्या बात, क्रीम, खोया, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन न्याज अपने तैयार करी हुई है, बहुत मेहनत ना किया तैयार करी हुई है, बड़े शौक ना तैयार करी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला कबूल मंजूर फरमाए इंशाल्लाह इलाही आमीन। तो आपको अभी दिखाता हूँ, फाइनल लुक भी दिखाऊंगा। ये है, ये केक है, ये तो ये भी इसमें ऐड होगा, अभी ये बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, ये पिस्ता बादाम, ये आई थिंक दूध है, ये क्या है इसमें, ये खीर, खीर है, दूध है, बच्चे खोया क्रीम, ये इसमें खोया क्रीम है माशाल्लाह। तो अभी ये तकरीबन रात लग जाएगी, अभी ये तैयार रेडी होते हुए, तो सुबह लेके फिर जाना तकसीम करने। ये अंकल मंजूर के बेटे हैं जो हमारे यहाँ ये सारा पकड़ते हैं माशाल्लाह, सप्लाई करते हैं, जो ये उनके बेटे हैं माशाल्लाह, ये भी माशाल्लाह बहुत कमाल पकवान है, तो मेरा भी कर सकते हैं। हाँ हाँ इधर भी दिखाओ ज़रा माशाल्लाह। चले फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं न्याज की, अभी ज़रा रेडी हो जाए जी। न्याज तैयार हो चुकी है, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये व्लॉग आई थिंक थोड़ा लंबा हो चुका है, और इस व्लॉग को यही ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा नया व्लॉग आएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, अगर कहेंगे कि नेक्स्ट मैं व्लॉग बनाऊं आपके लिए, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। ये हैं मेरे बड़े भाई रज़ा हसन सादिक भाई, अभी ये भी मजलिस से आए हैं पढ़ के,
तो इंशाल्लाह ये भी मेरे आने वाले व्लॉग्स में आते रहेंगे मेरे साथ, और मेरे अब्बू भी हसन सादिक साहब भी इंशाल्लाह, वो भी गए हैं सिंध, तो जैसे ही वो भी आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में आएंगे। इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी बहुत जल्द।